नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। पांच राज्यों के चुनाव में किसका क्या माहौल है, इसे भापने की कोशिश में आज हम आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है। इस रिवाज को पिछले 25 सालों में राजस्थान में कोई तोड़ नहीं पाया है। हालांकि कुछ राज्यों में बीजेपी ने हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा को बदल दिया है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ऐसा नहीं कर सकी। अब सवाल यह है कि राजस्थान की परंपरा का क्या होगा, क्या अशोक गहलोत परंपरा बदल पाएंगे या फिर रिवाज के मुताबिक राजस्थान की सत्ता बदलेगी। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि राजस्थान के रण में वसुंधरा राजे और सचिन पायलट का क्या रोल होगा, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से बाहर देखे जाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। अब इन चैलेंजेस को पार करके किसका राजस्थान में राज तिलक होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान। और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ, जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है, तो बिल्कुल चुनौती कहूंगी या नहीं कहूंगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा सौभाग्य है कि घर से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर मिला है। हिंदू मुसलमान को बांटना अच्छी बात है क्या जी? अगर जनगणना कर रहे हैं आदि पिछड़ा वर्ग की, इसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो ओबीसी के हैं, उन्हीं के हित में कर रहे हैं। डावाडोल किसकी स्थिति है तो वो खुद जान रहे हैं, उनका कुनबा जान रहा है, उनके लोग, उनके सलाहकार कह रहे हैं कि हमारी नैया डूब चुकी है, लिस्ट में ही आगे नहीं, भाजपा रिजल्ट में भी आगे होगी। और ये निश्चय है, ये राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार जिसने राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार किया, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई और सिर्फ वादे दिए, नारे दिए, काम कुछ नहीं किया, इसलिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास द्रुत गति से होगा, समृद्धि आएगी, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी। भाजपा ने ये मान लिया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्यों में उनकी हार हो रही है और कांग्रेस जीत रही है। उस आसन्न हार को बचाने या थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाए उसके लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं और एक लड़ाई में नई जान डालने, क्योंकि उनकी पार्टी की लड़ाई मुर्दा हो रही है, सुन्न पड़ रही है, तो उसमें नई जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गिमिक है। बड़ी खबर की इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। पहले 23 तारीख को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होगी। आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले आज देश का सवाल है। आज देश का सवाल है, क्या अशोक गहलोत सियासी परंपरा बदल पाएंगे? पहला, क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? गहलोत पायलट की तनातनी का क्या असर होगा? लिस्ट जारी करने में कांग्रेस देरी क्यों कर रही है? ये समझेंगे, आज राजस्थान पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है, एडवोकेट अनुजा कपूर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही है, हुसैन खान नेता बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की तरफ से हमारे साथ हैं, चरण सिंह सापरासर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं, मोहम्मद रफीक कांग्रेस के एमएलए राजस्थान से हमसे जुड़ रहे हैं, मुकेश नेता है बीएसपी राजस्थान से हमसे जुड़ रहे हैं और विवेक साइलस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। सापरा साहब, आपके पास आता हूं पहले, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन आप ही हैं राजस्थान में, 25 साल से एक एक बार वाला मामला चल रहा है, इस बार क्या है? पहला, एंटी इनकमबेंसी कहां है? दूसरा, जो फ्रैक्शन है दोनों ही तरफ है, उधर वसुंधरा जी थोड़ा अटपट चल रहा है और इधर पायलट और अशोक गहलोत, राजस्थान का चुनाव, आपका अपना ऑब्जर्वेशन। देखिए, जो मैं समझ रहा हूं और जो राजस्थान की जनता समझ रही है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मुझे नहीं लगता कि रिवाज बदलेगा
और ना ही राज बदलेगा, क्योंकि देखिए जनता जो है राजस्थान की जनता वो अधिकतर जो हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की और आदरणीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, जो उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं उसके ऊपर वोट देगी। मेरे ख्याल से राजस्थान के कई सारी चीज़ें हैं जो पहली बार इस देश के अंदर देखा गया कि राइट टू हेल्थ का लेजिस्लेशन लाया गया है, यानी एक अधिकार दिया गया है राइट टू हेल्थ का, जिसके तहत ओपीडी आईपीडी ये सब फ्री दिया गया है। चिरंजीवी योजना वहां पर लाई गई जिससे 25 लाख तक के इंश्योरेंस लोगों को मिला है, हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, 10 लाख का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस मिला है, ऐसी तमाम सारी चीजें, यानी मनरेगा तो था ही था, मनरेगा में भी वृद्धि हुई है, 30% तक की वृद्धि हुई है, लेकिन मनरेगा की तर्ज पर एक अर्बन यूथ के लिए, शहरी यूथ के लिए भी आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने स्कीम लाई है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसके तहत 100 दिनों का उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिला है। ऐसी अनेक सारी चीजें हैं, मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी है 100 यूनिट तक, अब उसके बाद में एलपीजी गैस जो 500 रुपए में मिल रही है सभी महिलाओं को, 300 नए कॉलेज बनाए गए हैं 5 वर्षों के अंदर, हमारी जो जीडीपी है जीएसडीपी है वो भी बड़ी है, 8.2 हो गई है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो 9.25 से लेकर के 3.1 पर आ गया है, यानी ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने निर्णय लिए हैं, जनता के हित में लिए हैं। हाँ, जहाँ तक आप अंदरूनी झगड़े की या मतभेद की बात करते हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उसको भी सुलझा लिया है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत मनमुटाव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बंदरबाट और जो काट शाट चल रही है ये हर रोज नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे जी को देश के प्रधानमंत्री जहां भी भाषण करते हैं उस सभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है, शेखावत जी के और वसुंधरा जी के और ऐसे कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके बीच में किस तरह से काटम काट चल रही है ये राजस्थान की जनता सारा कुछ जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गड़बड़ झाला ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी में नहीं है, हमने उस पर अंकुश पा लिया है, इसलिए हम बेहतरीन पोजीशन पर है। ठीक है, अनुजा जी हमारे साथ। अनुजा जी, एक तरफ कांग्रेस का अपना पक्ष है, कांग्रेस अपनी योजनाओं पर जो मेडिकल फैसिलिटीज है, स्मार्टफोन्स हैं, सिलेंडर के रेट्स हैं, उस पर बाउंड कर रही है कि जो रूरल राजस्थान में ज्यादातर काम किया है अशोक गहलोत सरकार, क्या ये इस बार एक बैरिकेड है प्लस वसुंधरा फैक्टर बीजेपी के लिए राजस्थान में कितना इंपॉर्टेंट है? राजेश जी नमस्कार, और जिन सवालों का की झड़ी आपने मेरे ऊपर लगाई है तो मैं शुरुआत ये करना चाहती हूँ बताते हुए कि राजस्थान के अंदर भाजपा का आना सुनिश्चित है। हम लोगों ने 2014-2019 में भी 25 सीटों पे पूरे वोट लिए थे और पूरी सीट पर हम आए थे। आज आप बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा की जो रणनीतियां हैं बाकी राज्यों में और हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद राजस्थान में आकर 7,000 करोड़ के जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है ये भी जनता देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि जो करप्शन है राजस्थान में इतने टाइम से चल रहा है, राजस्थान का उत्थान ये तो आखिर में होता कब है? इतने टाइम से तो लड़ाई चल रही है सचिन गहलोत की, आपकी सॉरी सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की, तो आपस में लड़ रहे हैं, आप भी जानते कि कितना बड़ा युद्ध इनके आपस में ही चलता रहा, तो इन्होंने डेवलपमेंट करी कब? आप ये भी जानते हैं सर, लड़ाई तो अब है चाइल्ड लेबर पर, अनटचेबिलिटी पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर, लिटरेसी पर, फीमेल फेटिसाइड पर, चाइल्ड मैरिज पर, ये ओपियम दोदा पर, ये तो कितने अनएम्प्लॉयमेंट पर, ये इन पर लड़ाई है सर। लड़ाई यहाँ पर होनी है ग्राउंड रियलिटी पर, ये है सोशल इश्यूज राजस्थान के। क्या कर पाए अशोक गहलोत जी इनके लिए? आज सेंसस की बात कर रहे हैं आप बैठकर, ओबीसी की बात कर रहे हैं। अरे ओबीसी और सेंसस से रिलेटेड आप बात जहां कर रहे हैं, आपने किया क्या है काम जनता के लिए? आपने औरतों का जो बलात्कार हुआ है करौली में, दलित की युवती के साथ देखा, अलवर में देखा, आपने गाजी में देखा, 2400 रेप हुए हैं सर, और 1.90 लाख औरतों के साथ उड़पीटा। तो आप ये समझिए, ये लड़ाई मुद्दों पर है, ये लड़ाई सेंसस पर नहीं है। आ रहा हूं, ये लड़ाई सेंसस पे आ रहा हूं, वो मैंने इसीलिए सेकंड पार्ट पे रखा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक आंसर और आपसे उसके बाद आ रहा हूं। रफी भाई आ रहा हूं, एक मिनट। अनुजा जी, ये
जो वसुंधरा फैक्टर है, जो कांग्रेस कह रही है कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, टिकट नहीं अनाउंस हो रहा है, जो यहाँ के मंत्री हैं, सांसद हैं, मध्यप्रदेश की तरह अनाउंस किया गया है, क्या बीजेपी बिना किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करे राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है या माइनस वसुंधरा? कांग्रेस ये बात हमसे पूछ रही है, कांग्रेस के पास क्या फेस है लोकसभा के लिए, क्या फेस है उनके पास? उनके पास फेस क्या है? अशोक गहलोत जो आज है कल नहीं है, वो तो जाते हैं रात के अंधेरे में मिलने के लिए। तो जिनकी बात ये कर रहे हैं वसुंधरा जी की, वसुंधरा जी ने तो अपने टाइम पर जो यहाँ पर कितना बड़ा कांड हुआ था, बम विस्फोट हुआ था जो कांग्रेस के टाइम पर, और यहाँ पर उन्होंने उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए बात करी थी, तो अशोक गहलोत जी तो आते ही उसको रफा दफा कर दिए। तो बात वसुंधरा जी की किसकी और कहाँ की है ये सचिन पायलट से जाके पूछेंगे। हमारे यहाँ पर सब एक है, और जो बेस्ट सबके साथ मिलकर सामने, मोदी जी और मोदी जी का फेस तो है ही, जो यहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा जी आए, कौन आए, हमारे हर एक कार्यकर्ता ठीक है सक्षम रूप से इस बात को सामने रखते हैं कि मोदी जी की दी हुई चुनौतियों के साथ। एक मिनट डालो साहब, एक मिनट डालो। एक बार राजस्थान से भी दो मेहमान हमारे साथ हैं, हसन खान साहब है बीजेपी माइनॉरिटी सेल से और मोहम्मद रफीक जी कांग्रेस एमएलए हमारे साथ आ रहो सापरा साहब आ रहो। एक बार राजस्थान लेके चलते हैं मोहम्मद रफीक साहब के पास। रफीक साहब, राजस्थान क्या सोच रहा है, क्योंकि 25 साल में तो एक एक टर्म मिला है दोनों को, इस बार लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब फाइट हो सकती है, कई सारी चीजें हैं उसमें, और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये जो एंटी इनकम्बेंसी है अशोक गहलोत सरकार के बारे में, अनुजा जी ने 4-5 पॉइंट स्पेसिफिकली राजस्थान के बारे में बोला है, एक बार उस पर आपका मत। ये जो मैडम बोल रही थी अनुजा जी, मेरे को पता नहीं कहां से है ये, इनको कोई अंदाजा नहीं है, कागज पे 4 लाइनें लिख ली इन्होंने और उसके आधार पे बोल रहे हैं। राजस्थान वो प्रदेश है जिसके अंदर अगर पूरे देश और दुनिया में अगर नया नई दिशा अगर किसी ने दी है तो राजस्थान ने दी है। चिरंजीवी योजना लॉन्च की हमने, पूरी दुनिया देख रही है चिरंजीवी योजना को। आज पूरे देश के अंदर यह मैसेज है कि स्वास्थ्य हेल्थ बेनिफिशियरी की कोई स्कीम अगर एक्टिव है किसी स्टेट के अंदर तो राजस्थान के अंदर है। 80 लाख से ज्यादा लोग बाग फ्री इलाज करा चुके हैं, कहीं का आंकड़ा नहीं है, कहीं पूरे देश में फिगर नहीं है। सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर यूपी के अंदर ढकोसला है, 84 लाख आदमियों को पेंशन दे रहे हैं 200-300 रुपए। यहां राजस्थान के अंदर 7 करोड़ की आबादी है, 7.5 करोड़ की, और 7.5 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है विद गारंटी मिलती है। और एक बिल और ला दिया है कि 15% का एप्रिसिएशन हर साल अपने आप हो जाएगा इंक्रीमेंट। और यूपी जैसी स्टेट जहां की आबादी 24-25 करोड़ रुपए है, वहां सोशल वेलफेयर की स्कीम के अंदर जो पेंशनर्स है, ओल्डीज है, विडोज है, उनको पेंशन मिलती है सिर्फ 84 लाख लोगों को। ये बात कर रहे हैं मुद्दों की। राजस्थान एकमात्र स्टेट है, चाहे हेल्थ बेनिफिशरीज की स्कीम की बात करो, चाहे पेंशन की बात करो, चाहे आप बिजली की बात करो, चाहे पानी की बात करो, अगर कोई स्कीम पूरे देश में कहीं एक्टिव है तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान ने अपने आप को पूरा मॉडल स्टेट के रूप में उभारा है, इसमें कोई दोहराया नहीं कि जब राजस्थान का चार्ज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया 2018 दिसंबर के अंदर, तब राजस्थान गर्त में डूबा हुआ था। आज जीडीपी के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे है पूरे देश के अंदर, और बड़े राज्यों की बात आप करोगे तो पहले नंबर पे है पूरे देश के अंदर। पूरे देश में एक बार रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से, फिर हुसैन खान के साहब के पास जाना है मुझे। एग्जांपल सेट किए हैं, मैं पूरी दुनिया में घुमा हुआ आदमी हूं। ठीक है अनुजा जी, एक बार छोटा सा रिप्लाई 40 सेकंड। ऐसी स्कीम एक्टिव नहीं है, हेल्थ बेनिफिशरीज की एक स्कीम एक्टिव नहीं है ऐसी, ठीक है, जैसी राजस्थान ने एक्टिव की है। ये मुद्दों में बात करें मेरे से, जनरल पॉइंट लिख रही है, जनरल पॉइंट आपको मालूम है राजस्थान के बारे में। रफीक भाई एक बार सुन लेनी थी, रफीक भाई एक बार आंकड़ा सुन लेनी है, अनुजा जी क्या कह रही है, जिसने आपको एग्जांपल देकर दिल रखिए, मॉडल स्टेट दिल रखिए, रफीक भाई सुनिए, बिल्कुल दिल है मैडम। मैं आपको जितनी बातें आप बोल रहे हो एक भी धरातल पे नहीं है। आपको डेवलपमेंट में चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों में चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में 4.25 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री कर रहे हैं,
राजस्थान में 43 लाख घरों में नल से जल प्रधानमंत्री ने पहुंचाया। राजस्थान में 86 लाख शौचालय प्रधानमंत्री जी ने किया। राजस्थान में 70 लाख किसानों को खाते 6,000 रुपए प्रधानमंत्री ने किए। राजस्थान में 30 लाख से ज्यादा पक्के मकान गरीबों के प्रधानमंत्री ने करवाए। लगभग 5 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस योजना प्रधानमंत्री जी ने करी। आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कौन सी योजना की, आयुष्मान योजना को प्रधानमंत्री ने चालू की है? आप आपको प्रॉब्लम है सर, आप ये बताइए इंटरकास्ट मैरिज आपके यहाँ पर कितना है, बताइए उसकी। ठीक है, आ रहा हूँ। हसन खान साहब भी है राजस्थान बीजेपी माइनॉरिटी सेल से, आ रहा हूँ। अनुजा जी एक बार राजस्थान से भी है, आपके ही पार्टी के हसन खान साहब, उनके पास चलो। हसन खान साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? एकदम मिल रही है सर। हसन साहब, जो बातें मोहम्मद रफीक साहब कह रहे हैं कांग्रेस से मिले, और उन्होंने बताया कि साहब ये योजना है जो अशोक गहलोत सरकार ने लागू करी, कंपैरिजन भी उन्होंने दूसरे स्टेट से कर दिया, क्योंकि आप बीजेपी माइनॉरिटी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं राजस्थान में, क्या आप मानते हैं कि यहाँ अशोक गहलोत ने 4-5 बड़े काम किए हैं जो कि वाकई काबिले तारीफ है, या आपको लगता है कि सिर्फ ये चुनाव के लिए? अशोक गहलोत साहब के तारीफ काबिल काम मैं आपको बताता हूँ कि अशोक गहलोत साहब ने 1.5 लाख करोड़ अतिरिक्त कर्जे में राजस्थान की जनता को डुबो दिया है। आज राजस्थान का एक बच्चा छोटा भी जब पैदा होता है ना, तो वो देखता है कि मैं कितने बड़े कर्ज के अंदर में पैदा हूं। पच्चीस लाख का चिरंजीवी बीमा किया, ये कह रहे हैं। आप राजस्थान में कोई 10-20 लोग भी बता देंगे मेरे को जो 25 लाख का जिनको फायदा मिला है? इन्होंने कहा कि बिजली के बिलों में हमने 100 यूनिट फ्री कर दिए। जब से इन्होंने बिजली के बिलों में 100 यूनिट फ्री किए हैं, बिजली के बिल जिन लोगों के पहले 1,000 के आया करते थे, अब 3,000 के आने लग गए। अब आप देखो क्या फ्री किया है, क्योंकि इन्होंने, अभी सुने मेरी बात को पूरा ध्यान से सुने और इसको, बिजली के अंदर में 100 यूनिट हमने फ्री किए, यानी पहले 1,000 का बिल वाले का अब 3,000 का बिल आने लग गया। ठीक है, यानी ऐसे अंदाजे से आ जाएगा 1,000 का। ठीक है, हसन खान साहब आ रहा हूँ। हमारे पास साथ मुकेश है जो बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट, आ रहा हूँ हसन साहब, आ रहा हूँ, पॉइंट ले जाए मैंने। एक बार मुकेश जी के पास, बीएसपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ आपके पास। एक बार विवेक साइलस साहब है समाजवादी पार्टी के बारे में बताऊंगा एक एक चीज। विवेक जी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? पहले भी कई बार 1-2 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है राजस्थान में, क्या इस बार भी कैंपेन है, इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी की कोई खास वहां पर पैठ नहीं है, इसमें मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि हमारी जो पैठ है राजस्थान में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो प्रवक्ता बैठी हुई हैं अनुजा कपूर, उन्होंने बोला कि 60,000 करोड़ की योजनाएं मोदी जी लेकर आए। तो मोदी जी योजनाएं तो सबसे ज़्यादा योजनाएं तो बंगाल में भी लेके गए थे, योजनाएं आप हिमाचल में भी ले गए थे, कर्नाटक में भी लेके गए थे, लेकिन जनता ने क्या किया, आपको क्या रिजल्ट आया, हम सब ने देखा। और जाति जनगणना की बात की आपने अनुजा जी, तो आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना का विरोध किया। अभी अभी जो हुसैन खान साहब ने कहा, उन्होंने कर्जे की बात की कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है लोगों के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया जब से मोदी सरकार आई है 155 लाख करोड़ कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया है। तो जनता तो सब देख ही रही है ना, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वहाँ विरोध चल रहा, अंतर करा है। जैसे आपने वसुंधरा जी की बात की, उनकी नमस्कारी भी ना अमित शाह साहब लेते हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी लेते हैं। भैरव सिंह शेखावत साहब का अपना गुट बना हुआ है, कानून मंत्री मेघवाल साहब का अपना गुट बना हुआ है। तो जिस तरह से गुटबाजी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की चल रही, शांत रही, सुन लीजिए। यहाँ पर कोई सोनिया जी का परिवार का होने की आवश्यकता नहीं है। जब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं,
आ रहा हूँ हसन साहब, हसन साहब एक दूसरे को सुनिए आप लोग, अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो फिर आपको भी नहीं समझ में आएगा, आपकी बारी में भी चार लोग बोलेंगे, मैं नहीं रोकूंगा फिर। एक मिनट आ रहा हूँ, विवेक साइलेंस आ रहा हूँ, एक बार चरण सिंह सापरा जी के पास चल रहा है। सापरा साहब, जब डेट अनाउंस हो रही थी तो उसके दो दिन पहले यानी फ्राइडे लेट नाइट पे एक सरकारी ऑर्डर आता है जो ये रीड करता है कि नहीं साहब कास्ट बेस्ड सेंसेस राजस्थान में भी कराए जाएंगे। अब तो आचार संहिता लग गई, अब ये काम हो नहीं सकता है। लोग इसे कह रहे हैं कि नहीं साहब ये सिर्फ चुनावी बात थी, दो दिन के अंदर तो कास्ट सेंसेस हो नहीं जाता। मान लीजिए आपका अनुमान हो कि 10 दिन बाद नौरात में चुनाव की घोषणा होती, तो इस चीज की जल्दबाजी क्यों थी? पहला, क्या ये जो कास्ट बेस्ड सेंसेस वाली बात है जो बिहार ने 2 अक्टूबर को जारी किया, क्या यही मेन मुद्दा है राजस्थान के अंदर कि नहीं साहब पहले कास्ट को आप लाइए, जातिवाद को बढ़ाइए, फिर चुनाव कराइए? सापरा साहब, देखिए राजस्थान के चुनाव के अंदर अनेक सारे मुद्दे होंगे। एक तो आदरणीय गहलोत साहब की सरकार के जो किए हुए काम है, जो मैंने कुछ उल्लेख किया और अनेक सारे उल्लेख करने बाकी भी है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो पूरा शो उसी में निकल जाएगा। हाँ। एक तो गहलोत साहब की और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसके किए हुए काम, और हमारा आगे का रोड मैप कि आने वाले 5 सालों में हम क्या करना चाहते हैं। तो आने वाले सालों में, 5 सालों में हम क्या करना चाहते हैं, उसमें एक बिंदु ये भी है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो राजस्थान के अंदर कराना चाहते हैं। क्यों राजस्थान के अंदर कराना चाहेंगे? क्योंकि केंद्र की सरकार ने उसको नकार दिया है। ये बीच में एक मिनट, बीच में हसन साहब पीसीआर एक बार म्यूट कर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। हसन साहब बीच में मत बोलिए। देखिए रफीक खान साहब विधायक बैठे हैं, अनुजा जी सुन रही है, अनुजा जी रिप्लाई करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। इनको डिबेट के रूल सिखाइए, शिस्तबद्ध रहना। मैंने म्यूट कर दिया है, आप सापरा साहब पूरा करिए। हाँ अनुजा जी आपको रिप्लाई करना है। हमारे जो आगे के रोड मैप है वो हमने बताया है। और क्यों बताया है? कास्ट बेस्ड सेंसस हमने क्यों कहा है? क्योंकि केंद्र की सरकार ने उसको नकार दिया, नरेंद्र मोदी जी ने नकार दिया, उन्होंने कास्ट सेंसस का विरोध किया है। और किस लिए विरोध कर रहे ये नहीं बता रहे हैं। जो 2011 में यूपीए की सरकार ने कास्ट सेंसस किया था, जिसका 2013 तक पूर्णावती हो रही थी और उसके बाद 14 में हमारी सरकार बदल गई, तो उसके भी आंकड़े इन्होंने रोक करके रखे हैं। क्यों रोक करके रखे हैं ये प्रश्न है। क्या ये नहीं चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतना हक मिले? क्या इस देश के अंदर इस तरह से नहीं होना चाहिए? यह भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है और यह जनता के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना ही चाहिए। तो ये एक जरूर मुद्दा होगा। और क्या सापरा साहब ये इसलिए नहीं है, जब आप जातिवाद को बढ़ावा देंगे तो वो सीधे ऑटोमेटिकली वोट बैंक में कन्वर्ट होगा? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं मानता हूं। जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने के कई प्रयास उन्होंने पूरे देश में और इतने वर्षों से कर रहे हैं। जातिवाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी का प्लेग्राउंड है, हमारा है, नहीं है, है। हम तो ये चाहते हैं कि देखिए ये भारत सच्चाई है, आपका पॉइंट आबादी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी उसका उतना हक। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं एडवोकेट अनुजा कपूर। अनुजा जी मैं अच्छा ये जो सवाल है अनुजा जी, इसको सिर्फ राजस्थान तक लिमिटेड मत रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये एक व्यापक सवाल है। ये जो कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस, विपक्ष, इंडिया अलायंस कर रहा है, खासतौर से महिला आरक्षण जब आपने पास कराया तो उसके बाद से ओबीसी और फिर कास्ट सेंसस, फिर बिहार का करना, राजस्थान का आदेश देना, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सब चुनाव जात में ही उलझ कर रह जाए जो ये 5 राज्यों का चुनाव है? पता है कितनी हैरानी की बात है रजत जी, आज ये लोग यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम जाति करती है। पहले तो मैं इनको बता दूं कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन है, जाति नहीं है। तो जिनको यही नहीं पता हो आगे क्या करेंगे। और जाति जो है वो अब क्या करना चाह रहे हैं, इनका ओपीएस, इनका जो है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, इस पर पहले कह रहे थे इनके राहुल गांधी जी। हाँ। कि आज हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर गेम खेलेंगे, फिर इन कहते थे अब हम हिंदुओं पर, हिंदुत्व पर गेम खेलेंगे, फिर इनको समझ में आया कि ये भी नहीं चलेगा, पेंशन स्कीम लागू तो कर दी राजस्थान में, अब ये कह देंगे कि हम लोग इस पर गेम खेलेंगे।
तो लोकसभा पर ये किस पर गेम खेलेंगे, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इन्हें यही नहीं पता नहीं है। ये पूरी गेम इन्हीं के ऊपर ही आ रही है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि इनको अच्छी तरह पता है, इनको अच्छी तरह ये पता है कि जो इनका गेम जो ये खेल रहे हैं लोगों के दिलों के साथ, जो गेम खेल रहे हैं सारी जनता अच्छी तरह जानती है। राजस्थान का एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला और यूथ आपको अच्छी तरह से जानती है। प्राइम मिनिस्टर ने आपके ही राजस्थान में आकर यहाँ पर जितने तरीके के प्रोजेक्ट्स निकाले, अशोक गहलोत जी वहां नहीं आते। नहीं अनुजा जी, एक पॉइंट मंत्री होते थे, एक पॉइंट पे कांग्रेस को आपके अनुजा जी एक पॉइंट पे आपको एतराज है, क्योंकि आपने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करी है, सिर्फ मजाक कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द सिचुएशन, ये तो लागू हुई है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा है, ये मना कर रहे हैं, ये बुद्धि ही हम मना कर रहे हैं कि नहीं लागू करेंगे, ये बुद्धि ही हम मना कर रहे हैं लागू नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान में लागू हुई है और ये कहे कि हम लागू नहीं करेंगे, ये कहे कि हम लागू नहीं करेंगे, और मैं कह रहा हूँ हमने लागू कर दिया। आप कहो कि हम लागू नहीं करेंगे, वो क्लेरिफाई कर, मैडम क्लेरिफाई कर, एक बात सुन लेनी, अनुजा जी बोलिए, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं आप, कह रहे क्लेरिफाई कर ले रजत भाई, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं आप, कह रहे साफ़ साफ़, एक बात मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। अनुजा जी, जो आपने बात कही वो मैं भी उस बात से इनकार करता हूँ। ये स्कीम जो मेरी जानकारी है राजस्थान में लागू हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। अरे बाबा, लागू हो गई, मुझे बात पूरी करने दोगे तो मैं बोल पाऊंगी ना। आप बोलिए साहब, एक मिनट उनकी बात भी सुन लेते हैं। इनको इनको पता ही नहीं लागू हुई है कि नहीं हुई है। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए आप, मैंने कहा है कि जो आप ओल्ड पेंशन स्कीम जो आपने शुरू करी राजस्थान में, हाँ। उसी तरीके से बिहार में सेंसस शुरू हुआ, तो आप लोग इसके ऊपर गेम खेल रहे हैं, और ये गेम आप कह रहे हैं बीजेपी भी खेले ये आपके साथ। आखिर उसकी स्ट्रेटजी क्या है? प्रवीण कुमार जी हमारे साथ आ रहा हूँ, रवि भाई इसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। प्रवीण कुमार जी, आम आदमी पार्टी कैंपेन कर रही है, नया राज्य है आपके लिए, दो राज्यों में सरकार है, फिर मैं घूम फिर के वही सवाल पूछूंगा, किसका वोट आम आदमी पार्टी लेगी, बीजेपी का या कांग्रेस का? क्योंकि बाइपोलर फाइट होती थी, आप तीसरे दल हैं जो लड़ाई में हैं। देखिए रजत जी, जिस तरीके से तीन प्रदेशों में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने चुनाव में उतर रही है, और बुनियादी मुद्दे जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों की गारंटी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तीनों राज्यों में अपने घोषणा पत्र में दी है, और जो लोग कई सालों से इन सुविधाओं से वंचित थे, जिन लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही थी, जो लोग बिजली के बिलों से परेशान थे, जो लोग जो है सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे, जो लोग जो है सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं से परेशान थे, वो सारे लोगों का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है, और ये सारे लोग जो इन दूसरी पार्टियों की व्यवस्थाओं से, इनके सरकारों से परेशान थे, उन सारे लोग जो है वो आम आदमी पार्टी पसंद कर रहे हैं, उनका वोट जो है आम आदमी पार्टी में मिलने जा रहा है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा अगर, तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जो है की सरकार जो है पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुकी है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है उसके ऊपर, लेकिन घोषणाओं पे घोषणा करे चले जा रहे हैं, तो आखिर ये घोषणा पूरी कब होगी, और ये पूरी होगी भी कि नहीं होगी इसकी गारंटी कौन देगा? ये सिर्फ चुनावी जुमले, चुनावी वादे जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार वहां पे कर रही है। आता हूं आपके पास, मैंने पॉइंट लिया, आप बुनियादी मुद्दों के साथ हैं, ठीक है, रफी खान के पास चलना है। रफी खान साहब, क्या आम आदमी पार्टी फैक्टर है? आप देखिए, जो पिछला चुनाव था उस पर बीएसपी के 6 या 7 विधायक जीत कर आए थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने पास बुलाया, पहले सपोर्ट लिया, फिर मर्ज किया, क्या उस भूमिका में आम आदमी पार्टी को आप देखते हैं कि नहीं साहब, 5 से 6 सीटें, 7 सीटें आम आदमी पार्टी को भी मिलेगी, बहुजन समाज पार्टी को भी सीट्स मिलेगी,
या फिर इस बार जो भी सीटें हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के आसपास रहेंगी? देखिए, यहां तो मेन जो लड़ाई है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच में ही है। हाँ। राइवलरी जितनी भी है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, सबको मालूम है। मैं दो बातों का जवाब जो आप बीच में डिस्कशन चल रहा था वो मैं देना चाहूंगा। अनुजा जी अभी कह रही थी कि हम ओपीएस नहीं देंगे, मैं मान रहा हूं ये नहीं देंगे, और इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमने दे दी है, लागू कर दी है। इनमें हिम्मत हो तो बोलो कि हमने बार बार बंद करके दिखाया हमने लागू कर दी है। आपको क्या लगता है? हमने लागू कर दी है, हमने राजस्थान में लागू कर दी है और लागू रहेगी राजस्थान के अंदर। हमने लागू कर दी है मैडम, और लागू रहेगी राजस्थान के अंदर। और दूसरी नाटक है, आपने कभी नाटक कभी गेम। अरे मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ मैडम, आपने जो ये शब्द चालू किया है ना, मुझे आपके शब्दों पे भी ऐतराज है। आप शब्दों की शब्दावली सीख के आया करो जब डिबेट में आओ। कभी आप गेम बोलते हो, कभी आप नाटक बोलते हो। मैं कह रहा हूँ ये उन ओल्ड पेंशन स्कीम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए आप ये शब्द यूज कर रहे हो, वो सारे कर्मचारी सुन रहे हैं कि आप इस शब्दों को नाटक कह रहे हो, कभी गेम कह रहे हो। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान सरकार ने लागू कर दी, उसको आप नाटक बता रहे हो। राजस्थान के अंदर जितने भी एक आदमी अपनी पूरी लाइफ सरकारी नौकरी में दे देता है और उसको सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, जब उसको ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझी और समझ करके राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। और मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को। और आप ये कहने की हिम्मत करो कि हम नहीं लागू करेंगे, नाटक वाटक शब्द यूज मत करो, शब्दों की गरिमा रखो। इन बातों को करने से कुछ नहीं होगा, जो बातें आप कह रहे हो वो धरातल पे कुछ नहीं है। और आपने नाटक आप ये शब्द यूज कर सकते हो, सारी जनता देख रही है आपको, सारी दुनिया देख रही है। ड्रामा दिखाते हैं, इश्यू लेस राजनीति कर रहे हो, मुद्दों की राजनीति करो, पब्लिक वेलफेयर की राजनीति करो, सोशल वेलफेयर की राजनीति करो, चिरंजीवी योजना की है बेनिफिशियरी स्कीम की राजनीति करो, हमने उजला योजना के सिलेंडर 500 रुपए में दे दिए उसकी राजनीति करो, और आवाज लगाओ कि जो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्कीम दे दी है वो पूरी की पूरी स्कीम हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे। राजस्थान के अंदर मात्र ऐसी स्टेट है राजस्थान जिसके अंदर सोशल वेलफेयर की स्कीम जिस तरीके से एक्टिव है पूरे देश में कहीं नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ कंज्यूमर का बिल जीरो हो रहा है, 1 करोड़ कंज्यूमर सारे कंज्यूमर। ठीक है, आ रहा हूँ, एक बार हसन खान साहब के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, रफीक भाई आ रहा हूँ, अनुजा जी एक मिनट, जैसे हसन जी को जोड़ लेते हैं, हसन जी ये एक मिनट, अनुजा जी एक मिनट, थोड़ा सा और लोगों को मौका दीजिए, विवेक साइलेंस जी बैठे उनके पास भी जाना है, आ रहा हूँ रफीक भाई, एक बार हसन साहब का, हसन साहब रफीक भाई एक मिनट आ रहा हूँ, अनुजा जी एक मिनट आ रहा हूँ, हसन साहब के पास जा रहा हूँ, हसन साहब सुनो, ये जो आपने लोकसभा आपने जनसंख्या का एक सेकंड कि कैंडिडेट उतारे, एक मिनट रफीक भाई आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, हसन साहब के पास जाए, पीसीआर म्यूट कर दीजिएगा, हसन साहब के पास जाओ, हसन साहब ये जो लोकसभा के कैंडिडेट मध्य प्रदेश की तरह उतारे हैं इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या? और अब तक वसुंधरा जी का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी रैलीज में वसुंधरा जी को बोलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, उस तरीके से वो कैंपेन को लीड नहीं कर रही है, तो क्या इससे नुकसान तो नहीं है भाजपा को या फिर कुछ नया? देखें, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, यहां पर हमारे जितने भी नेतागण हैं उनको आप सांसदगण की दायित्व दे दे वो उसको निभाएंगे, उनको आप विधायकगण का दायित्व दे दे उसको वो निभाएंगे, और उनको प्रधान का दे दें या जिला प्रमुख दे दें वो उनको निभाएंगे। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम अगर सांसद बन गए या केंद्रीय मंत्री बन गए तो हम कोई बड़े आदमी बन गए। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता वो हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, वो समाज में रहते हैं, वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, वो ये कभी भी नहीं देते कि चुनाव हमें विधानसभा का लड़ाया गया या लोकसभा का लड़ाया गया, कौन से लड़ाया गया, सांसद तो सारे आपके हैं कि हमारा, अरे भूल रहे हो हसन भाई, करेक्ट कर लो, करना है, मेरी आवाज आ रही, हेलो हसन भाई करेक्ट कर लो, सांसद सारे आपके हैं, सांसद भी, सांसद कोई भी सांसद अभी जो 25 के 25 सांसद चुने गए हैं वो सब आपके, इसलिए करेक्ट कर लो, अपने आप को करेक्ट करके बोलो। और दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि जनसंख्या पहले आप सुने,
आप इसलिए नहीं सुनना चाहते हो कि आप तो खाली कैडर बेस की बात कर रहे हो यार, दूसरी बात ही नहीं कर रहे हो, सीरियस सीरियस डिबेट ही नहीं कर रहे हो, वो गेम और नाटक बोल रही है, आप कैडर बेस बोल रहे हो। अरे मुद्दों पे आओ, जनहित के मुद्दों पे आओ यार, लोगों को दूसरी दिशाओं में ले जा करके केवल मुद्दों पे आओ, मुद्दों पे राजस्थान सरकार के काम पे आओ। इस देश को बर्बाद कर दिया है और आज हमारा देश कहां का कहां होता अगर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जैसा अगर नेतृत्व हमें पहले मिल गया होता तो आज ये देश आज इस तरीके से आज विश्व के मुद्दे सीख के आओ, मुद्दे सीख के आओ माय डियर फ्रेंड। आपको पता ही नहीं है, आपको आप कैडर बेस्ड पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी इसके अलावा कुछ नहीं मालूम है। राजस्थान में क्या आप आदमी हो? राजस्थान ठीक है, आ रहा हूँ एक बार विवेक साइलेस और फिर प्रवीण कुमार जी के पास जाना। विवेक साइलेस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ विवेक साइलेस जी के पास। विवेक, कई लोग ये जो पांच राज्यों के चुनाव है इसको कह रहे हैं कि ये एक सेमीफाइनल है 2024 से पहले, यानी 24 से पहले जो भी नतीजे इन पांच राज्यों के होंगे उसका सीधा माहौल जो है वो 24 के चुनाव में फंसेगा। मेरा मानना है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। पिछली बार भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल करी थी, लेकिन जब आप लोकसभा की टैली देखेंगे तो वो शायद 1% भी नहीं थी विधानसभा के मुकाबले। आपने अभी एक बात करी जी, बिल्कुल और जनसंख्या का सवाल पूछा कि लास्ट में क्या जल्दी थी, लोकसभा के चुनाव लास्ट में जल्दी नहीं थी। एक मिनट आ रहा हूँ रफीक भाई, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी नहीं आ रही, रुक जाइए। विवेक साइलेंस जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पिछली बार जो हुआ था 2018 में छत्तीसगढ़, हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, लेकिन हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम बिल्कुल अलग हुआ था। लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं थोड़े से दूसरे हैं, जनता जागरूक है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश से 10 साल मांगे थे कि 10 साल दे दो, और इस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की सरकार ने देश ने 10 साल दे दिए हैं। याद करिए 2014 में जो वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने देश के लोगों से कहा था कि मुझे 10 साल दे दो। आज किस तरह से भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है, महंगाई की क्या पोजीशन है सब देख रहे हैं, बेरोजगारी 8% के दर ज्यादा बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था की क्या हाल है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अरे यार बीच में काहे बोलते हो, हार रहे हो चुनाव, साहब एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, चुनाव हार रहे हो शांत हो जाइए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। अनुजा जी पहले वसुंधरा जी को टिकट दीजिए, विवेक साले साहब कंप्लीट करिए, वसुंधरा जी को टिकट दीजिए तब बैठ के बात करिए। वसुंधरा जी को कब टिकट मिल रहा है बताइए, घोटालाबाजी के अंदर वहां पर क्या बात करते हो, चौहान साहब को नहीं दे रहे हैं या वसुंधरा जी को नहीं दे रहे हैं, लिस्ट पे लिस्ट निकली जा रही है, वसुंधरा जी को कब टिकट दे रहे हैं, कौन है आपका मुख्यमंत्री, अच्छा बताइएगा बैठ के, घरेलू मामला है ये, भारतीय जनता पार्टी बताइए वसुंधरा जी को टिकट क्यों नहीं मिला, बैठ के यहाँ बहस करने थोड़ा ना हो जाए, राम धाम कुछ करना नहीं, महंगाई को लगातार बढ़ाना, भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ाना, स्वाद नहीं देना, ठीक है आ रहा हूँ बैठ के एक बार अनुजा जी के पास जा रहा हूँ। अनुजा जी सबसे ज्यादा जो चर्चा थी, आ रहा हूँ एक बार पीसीआर म्यूट कर दीजिएगा, हसन साहब को म्यूट कर दीजिएगा, आउट ऑफ वे मुझे अनुजा जी सवाल लेना। अनुजा जी ये जो चर्चा मध्य प्रदेश में थी सबसे ज्यादा, आ रहा हूँ विवेक भाई आ रहा हूँ, प्रवीण जी आ रहा हूँ, वो थी कि साहब शिवराज सिंह चौहान साहब का टिकट डिक्लेयर नहीं हो रहा, हालांकि बांस से बुंदिया से डिक्लेयर हो गया। आज जो राजस्थान में चर्चा है और लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को वापस सत्ता में आना है तो बिना वसुंधरा राजे के नहीं आ सकते, क्या बीजेपी भी यही मानती है? पहला। दूसरा, क्या माइनस वसुंधरा आपको लगता है कि नहीं? साहब कैडर पार्टी सिंबल सबसे बड़ा होता है, लीडरशिप बड़ी नहीं होती है। अनुजा जी देखिए मुझे लगता है कि शायद मैम बोले, अनुजा जी बोले, धन्यवाद दिया मुझे, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद जानते नहीं हैं कि देश सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर कांग्रेस में मैं सबसे बड़ा होता है, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं वसुंधरा राजे के बारे में, और मुझे इस बात का दुख है आज आपके में भी वसुंधरा राजे जी के बारे में बात कर रहे हैं कि देश के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में बात कीजिए, राजस्थान का डेवलपमेंट बनाने के लिए कौन आगे आएगा, जो भी आएगा वो राजस्थान में बीजेपी को आगे लेकर जाएगा, पर आप कहीं ना कहीं ये सारे पैनल सिर्फ वसुंधरा राजे जी के ऊपर है, वसुंधरा राजे जी म्यूट कर दी पीसीआर, अनुजा जी का ऑडियो जाएगा, अनुजा जी बोलिए, उसके बाद सापरा जी आपको रिप्लाई करना, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, सापरा जी आपको रिप्लाई करना है, सुनिए किसी के बारे में,
देखिए मेरे से बात कर लेने दीजिए पहले, कहां से कौन कहां से लड़ लेगा, यहां पर सबसे बड़ी बात है हमारे लिए राजस्थान का डेवलपमेंट अहम है। और यहां पर जैसे मेरे भाई ने यहां पर एक ने बोला क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, आज आप मुझे बोल देंगे मैं यहां पर बैठी हूं, आप मुझे कहिए कीजिए वो कीजिए, हम लोग ये देखते हैं कि हमें काम क्या करना है, हम ये नहीं देखते कि हमें लीड कहां करना है। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की, जहां कांग्रेस ये समझता है कि मेरी सीट सुनिश्चित कीजिए। हम सीट सुनिश्चित नहीं करते, हम डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी आर और रफीक भाई प्लीज रुक जाइए, मैं प्लीज कह रहा हूं आपसे रफीक भाई दाई प्लीज पीसीआर प्लीज म्यूट कर दीजिए, साफरा साहब आपको रिप्लाई देना इस पे। जो कहां से लड़ेंगी, कब लड़ेंगी, किधर से लड़ेंगी, अभी देखिए। हाँ मैं बोल लूं, ठीक है साफरा, ठीक है मैंने पॉइंट ले लिया अनुजय, ठीक है मैंने आपका पॉइंट ले लिया, साफरा साहब रिप्लाई करिए। आ रहा हूं रफीक भाई आ रहा हूं, एक मिनट थोड़ा पेशेंस। देखिए ऐसा है, ये जितनी जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता करते हैं ये हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2018 रिपीट होगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर बिल्कुल हमारी सत्ता बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी सत्ता। हमने अभी देखा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में क्या हुआ, यही फॉर्मूला इन्होंने कर्नाटका में भी लगाया था, वहां भी सांसद इन्होंने चुनाव के अंदर उतारे थे। ये कर्नाटका के अंदर बीजेपी का नाटक नहीं चला, हिमाचल के अंदर इनका नाटक नहीं चला। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये 40% कमीशन खोरी की सरकार आपने जो चलाई थी, 40% कमीशन खोरी की सरकार को कर्नाटका की जनता ने नाकारा था। हमने अपने 5 पॉइंट एग्जीक्यूट किए हैं, हमने अपने 5 पॉइंट एग्जीक्यूट किए हैं। आपको अकल नहीं है, बुद्धिहीन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। कभी आप कह देते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की है, कभी आप कहते हैं कि हम वो कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करेंगे, आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, आपको ये समझ नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू हो गई है, आपको खाली बीच में बोलना है। ये आपका नाटक जो है ये राजस्थान की जनता देख रही है, ये चिल्ला चोट से वोट नहीं मिलता, आप बताइए मुझे क्या सचिन पायलट को आप सीएम बना रहे हैं कि नहीं, जवाब दीजिए सर। आप अशोक गहलोत को ही क्यों देख रहे हैं, जब वो आप जनता के हित के काम नहीं बोल रहे हैं। अशोक गहलोत एक मिनट, साफरा साहब एक मिनट, आप सचिन पायलट को ला रहे हैं, साफरा साहब एक मिनट, अनुजा जी अनुजा कपूर जी, अनुजा जी मैं बहुत गुस्से जी बताइए, जब मैंने आपसे वसुंधरा जी पे सवाल पूछा था और रफीक साहब बीच में बोल रहे थे, सापरा साहब ने उंगली, मैंने तुरंत रोक दिया था, मैंने कहा रुकिए अनुजा जी का ऑडियो जाएगा। मैं यही चीज आपसे भी चाहता हूँ कि एक बार सापरा जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, हाँ अपनी बात कंप्लीट कर ले सापरा साहब, उसके बाद जहां भी आपको लगे कि नहीं साहब ये चीज से आप एक्सेप्ट नहीं करती है, एग्री नहीं करती है, आप बोलिएगा। सापरा साहब 40 सेकंड कंप्लीट जी। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये जो इनका भारतीय जनता पार्टी का नाटक कर्नाटक में भी नहीं चला, इन्होंने वहां पर भी इन्होंने अपने सांसद उतारे थे, क्या हुआ वहां पर फेल हो गए, वहां पर 40% कमीशन खोरी की सरकार थी इसलिए इनकी नौटंकी सब बंद हो गई है। इनके दोहरे मापदंड और इनके पाखंड जो है वो जनता देख चुकी है, अब जनता इनको नकारती है। 2018 फिर रिपीट होगा, फिर से हम छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने दो चीजें अभी डिक्लेयर कर दी आपकी डिबेट के ऊपर कि ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू नहीं हुई है, अगर लागू हुई है तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी उसका, उसको बंद करेगी, ये इन्होंने अभी कह दिया है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती है, तो अगर जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं तो मोदी जी को बोल दीजिए ना, वहीं से दिल्ली से डिक्लेयर कर दे, सारा देश सुन लेगा। आज राजस्थान के संदर्भ में आपके दर्शक दो पॉइंट है, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत आ गया, रफी भाई आ गया 40 सेकंड में आ गया आपके पास, ठीक है सप्रेस आप, ठीक है अनुजा जी 40 सेकंड, क्योंकि आपको बोला है और दो पॉइंट्स पर बोला है, स्कीम्स पर बोला है, जातिगत जनगणना में, एक बार 40 सेकंड में रिप्लाई दे रही, फिर रफीक खान साहब के पास रिप्लाई क्या देना है इसके अंदर, आप मुझे बताइए जिसके अंदर जिसकी वजह से पास में कोई रिप्लाई नहीं है, और दूसरा इनके पास में कोई रिप्लाई नहीं है, ये अभी डिवाइड एंड रूल पे आ जाएंगी। सापरा साहब एक बार कंप्लीट कर लेंगे, अब देखिए मैंने भी रुकवाया था सापरा साहब, नहीं इन्होंने मेरे बीच में ये मेरे नहीं बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने भी अनुजा जी से कहा था कि सापरा साहब एक बार कंप्लीट कर ले प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सापरा साहब, अनुजा जी एक बार कंप्लीट करिए, अब मैं भी खराब करूंगा नहीं,
आपके रफीक खान साहब को बोलना है, बोल सकती है, चिल्ला चोट कर सकती है। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं करेंगे आप। एक बार रफीक खान साहब के पास जाना है, वो भी अपनी बात रखेंगे, राजस्थान में उनको ही बोलना है। अनुजा ही कंप्लीट करिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यही है इनका रिवेंज पॉलिटिक्स। देखिए आपने देख लिया डिबेट पर, यह है रिवेंज पॉलिटिक्स। हम लोग साहब एक बार कंप्लीट कर लीजिए, 40 सेकंड का उनका समय कंप्लीट कर ले। मुझे रफीक खान साहब विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, जयपुर पास से, उनके पास जाना है। एक मिनट अनुजा जी कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कास्ट सेंसस से और इस देश को ना बांटे। आपकी इंदिरा गांधी ने ये बात बोल दी थी कि कास्ट सेंसस जैसी गंदगी ना लेकर आए। मतलब आप नहीं करना चाहती जातिगत जनगणना, नहीं करना चाहती जातिगत जनगणना को आप गंदगी कहते हैं। मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने कहा है सबसे बड़ी सबसे, अच्छा तो मोदी जी ने भी, आपकी इंदिरा गांधी ने बोला है, ये इंदिरा गांधी जी ने बोला है, तो बोलो सुनवा दो। ये इंदिरा गांधी जी ने बोला है कि ये अनटचेबिलिटी और कास्ट सेंसस, ये आपकी इंदिरा गांधी ने बोला है, इंदिरा गांधी ने बोला है, आपकी इंदिरा गांधी ने बोला है, आप सुनिए, ये आप देखिए। इंदिरा गांधी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी कहती है जातिगत जनगणना जो है वो गंदगी है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। पूरे देश ने नोट करना चाहिए, जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक गंदगी है। ये बिल्कुल किसी जगह पर ना लेकर आए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने आ रहा हूं, एक बार रफीक साहब के पास जाना है। रफीक खान साहब आ रहा हूं, अनुजा जी आ रहा हूं, साहब जी एक बार रफीक खान साहब का, रफीक साहब जो बात अनुजा जी कह रही थी राजस्थान के संदर्भ में, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते थे, एक बार बोलिए रफीक खान साहब। मैं एक तो सबसे पहले इनका शुक्रगुजार हूं कि ये इंदिरा गांधी जी बोल रही है, एटलीस्ट इनकी जबान पे आ रहा है और ये फॉलो कर रही है, मैं शुक्रगुजार हूं इनका। एक सबसे अहम बात इन्होंने कही, ये क्लियर करें अपना स्टैंड, ओपीएस लागू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान में हमने लागू कर दी। दूसरी बात, कास्ट सेंसेक्स की आपने बात की, कास्ट सेंसेक्स के बारे में आप बता दूं, आप ये मत समझो कि लास्ट मोमेंट में लिया गया डिसीजन है। अभी 2 महीने पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मैं विजन 2030 मिशन 2030 के लिए हम विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और अभी 8-7 दिन पहले उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया। जब आप विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हो 2030 का, और उसके तुरंत बाद 5 दिन बाद में मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि कास्ट सेंसेक्स होना चाहिए, ये सब आपस में कोरिलेटेड बातें हैं, आपस में रिलेट करती है। जब आप 2030 का राजस्थान का सपना देखते हो, आप डेवलपमेंट देखते हो, आप चाहते हो कि राजस्थान डेवलप हो, तो राजस्थान का हर वर्ग का डेवलपमेंट कैसे हो, इस बात को लेकर के ये बात कही गई है। ये बेवजह की बातें करनी बंद करें, हम पूरे देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, राजस्थान का डेवलपमेंट चाहते हैं। राजस्थान में जो हमने 5 साल में काम किया है, हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी की पेंशन हो, किसी भी फील्ड में हमने जो काम किया राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान का माइलस्टोन है। जनता के बीच जाएंगे, काम कर वोट मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे, जातिवाद नहीं फैलाएंगे, हम धर्म और जातियों की राजनीति नहीं करेंगे। हम जो हमने 5 साल में काम किया राजस्थान के अंदर, उसका वोट मांगने जाएंगे। लेकिन राजस्थान में लागू हो गई, हम कैसे पानी मिले, चालू नहीं कैसे राशन मिले, कैसे आदमी को फूड मिले, कैसे शिक्षा का अधिकार मिले, कैसे एजुकेशन मिले, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हमने, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, चिल्लाएंगे ना इनकी तरह हमला नहीं करेंगे। राइट ऑफ एजुकेशन लेके आए हम, राइट ऑफ फूड लेके आए हम, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लेके आए हम, हम आम आदमी के अधिकार राजस्थान के अंदर जो विजन 2030 का डॉक्यूमेंट बनाया है, एक बार उस पर काम करेंगे। हसन खान साहब काम करेंगे, एक मिनट
राजस्थान से कौन ट्रांसफॉर्मेशन में काम करेंगे? हसन खान साहब है, काले साहब आ रहे, प्रवीण जी आ रहे, आ रहा हूं आपके पास, पूरे राजस्थान की, रफीक साहब एक मिनट, पूरे देश के, रफीक साहब, पूरे रफीक साहब के अंदर सीसीआर एक बार और दुनिया करिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक बार हसन साहब के पास जाए, इनको कुछ है नहीं। हसन खान साहब, रफीक खान साहब कह रहे कि अशोक गहलोत जी विजन 2030 की तैयारी कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन्स दिए गए, सिलेंडर्स बांटे गए, ओल्ड पेंशन स्कीम आई, या कास्ट सेंसस का ऐलान किया गया, या सिलेंडर्स सस्ते रेट्स में उपलब्ध कराए गए, क्या ये चार आ रहा हूं रफीक साहब, आ रहा हूं, थोड़ा पेशेंस साहब, थोड़ा पेशेंस, क्या हसन साहब ये सारी चीजें ग्राउंड पर है या फिर चुनावी मुद्दे कुछ और है राजस्थान के आपके नजरिए से? देखें, मैं बहुत ही रफीक साहब का सम्मान पूर्वक आदर से कहना चाहता हूं कि ये सच्चाई सच्चाई को स्वीकार करें और हकीकत जो धरातल की है उसको भी जो है ये स्वीकार करते हुए हमें जो है बोलने का मौका दें। हम ये कहते हैं कि आप ये कहते हो कि हम विजन 30 देख रहे हैं 2030, आपने 5 साल के अंदर में जो वादे आपने अपने घोषणा पत्र में किए थे सरकार आने से पहले, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आप इस शर्त पर आए थे, आपने इस शर्त पर सरकार बनाई थी कि आप सभी किसानों की कर्ज माफ करेंगे, आपने कुछ भी नहीं किया। आप इस शर्त पर आपको वोट मिले थे कि आप बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ऊपर अगर किसी सरकार ने काम किया तो इसी सरकार ने काम किया, पूरे राजस्थान के अंदर एग्जांपल सेट किया। तीसरा जब आपने बजट दिया तब हमने कहा कि हम 60% काम पूरा कर चुके हैं, मैनिफेस्टो के ऊपर जो हमने काम किया 60% पूरा किया, विधानसभा में बोले, विधानसभा में इसकी डिबेट कराई कि आज हमने, आज जब हम तीसरा बजट देने जा रहे हैं विधानसभा के अंदर, तो हमें खुशी है सदन को ये बताते कि हमने पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको इस शर्त पर लोगों ने वोट दिए थे, काम पूरे हो चुके हैं, आपको इस शर्त पर वोट दिए थे अल्पसंख्यक समाज ने कि आप मदरसों का आज नहीं कर सकते, आप उनके स्टीकर का स्तर बढ़ाएंगे, आप उनके रोजगार देंगे, कोविड से पहले कोविड आया जो है नौकरियों में हिस्सेदारी देंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर सबसे बेस्ट मैनेजर पे जमा रही तो राजस्थान रही, पूरी दुनिया में भीलवाड़ा मॉडल पॉपुलर हुआ, राज्य के अंदर में 95 लाख अल्पसंख्यक समाज ने वोट दिया, क्या कल्याणकारी कार्य भी किया आपने उनके लिए, एक भी काम आपके अपने हाथ में बता दीजिए कुछ भी आपने नहीं किया। 1 करोड़ हम ये कहते हैं, ठीक है, आ रहा हूं, एक बार प्रवीण कुमार जी के पास जा रहा हूं, ठीक है, आ रहा हूं, प्रवीण कुमार जी के पास, प्रवीण जी क्या कोई बातचीत कांग्रेस से हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी कोई टिकट डिक्लेयर नहीं किया है, क्या कोई आस है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए जैसा इंडिया ब्लॉक में अलायंस में एक साथ है, या आपको लगता है नहीं साहब अकेले ही लड़ना है तीनों राज्यों में? रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जब हम आ रहा हूँ, सवार हूँ, प्रवीण कुमार जी के पास जाना है, और ये जग जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है अपने बल पे इन तीनों राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अपने बल पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। हसन साहब को म्यूट कर दीजिए, प्रवीण जी का ऑडियो जाएगा, प्रवीण जी बोलिए। बड़ी बात ये है कि 2024 से पहले ये 5 राज्यों का चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कहीं पर भी सरकार नहीं आ रही, और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, ये साफ तौर पर बीजेपी वालों ने मांग लिया है, क्योंकि इनके 18 MP जो है वो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, 4 मिनिस्टर जो है वो भी विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, मतलब टॉप लीडरशिप को उठा के जो है जमीन पे उतरा है, मतलब समझ लीजिए हालत कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी की, कितनी बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस समय। ठीक है अनुजा जी, मैं इसका जवाब लूंगा, एक बार सापरा जी आप भी ऐड कर दीजिए, जो बीजेपी एमपी और मिनिस्टर्स को उतार रही है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब आप अपने बड़े चेहरों को उतारते हैं, सांसद और मंत्रियों को, तो अगल बगल की जो विधानसभाएं होती हैं वहां पर माहौल बनता है, हो सकता है आप ना माने मेरी बात को, सापरा साहब उसके बाद अनुजा जी रिप्लाई। नहीं, जब 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 कोई पार्टी कमजोर हो जाती है, जब उसको पता है कि हम यहाँ से नहीं जीत सकते, तब वो अखाड़े के अंदर अपने बड़े पहलवानों को उतारते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम जीत नहीं सकते। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि हिमाचल के इनके जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने चुनाव हारने के बाद कहा था, पब्लिक में कहा था कि 3 मुद्दों की वजह से हम हारे हैं, महंगाई,
बेरोजगारी और ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से हम हारे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसी पैनल पर बैठ करके कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे, मतलब इनको चुनाव फिर से हारना है। ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो एक बीमारी है, गंदगी है, ये नरेंद्र मोदी जी को भी कहने के लिए तैयार है। ठीक है, जनगणना इन्होंने मान लिया कि जातिगत जनगणना नहीं करनी है, वो गंदगी है, ठीक है, इनका केंद्रीय नेतृत्व कह दे। ठीक है अनुजा जी, ये जो लोकसभा के सांसद मिनिस्टर्स को उतारा है, कांग्रेस कह रही कि स्थिति खराब थी इसीलिए बड़े पहलवानों को, दिग्गजों को उतारना पड़ा। आप मुझे बस इतना बताइए, जो ये मेरे साथ ये जो तो बैठे हैं ना, इनको बोलिए कि ये अपना जरा लिप सील करके बैठे, क्योंकि इनको पता कुछ नहीं और इनको बोलना बहुत आता है, पता नहीं क्यों आके बैठे हैं यहाँ पर। इन्हें ये नहीं मालूम है कि, मैं फिर बता दूं, अभी इन्होंने दो बातें जो बोली है कि इंदिरा गांधी ने बोला था, या आप जाकर अपना दिखा दूं तो अभी आपको वीडियो भी शेयर कर देती हूं। इन्हें खुद पता नहीं है, गांधी गांधी करते हैं ना, इनको अपने बारे में पता है। और दूसरा ओपीएस के बारे में, वो क्यों बना हुआ, क्यों बंद किया, सबको सब कुछ पता है क्या रीजन उसके पीछे है। दूसरी बात, यहां पर फिर मैं बताती हूं कि क्या जो लोग बड़े जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, इट इज नॉट अबाउट मिनिस्टर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कहां से कैसे आ रहे हैं। बात है यहां पर, हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड, जब एक 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 आम भाजपा, 10 सेकंड दीजिएगा, 10 वो दीगे, एक दीगे। बात करता है, वो एक भाजपा प्रवक्ता जब इलेक्शन में आकर बात करते हैं या हमारे मिनिस्टर्स आकर बात करते हैं, तो कोई भी कहीं पर भी जाकर, ये आप ऐसा क्यों मानते हैं, क्या वो अछूत है, वो नीचे नहीं आ सकते, क्या वो इलेक्शन से रिलेटेड बात नहीं कर सकते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब वाइस प्रेसिडेंट जी गए थे तो राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी को बहुत मिर्ची लगने लग गई थी, प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनको इस बात का डर है, नहीं आप दो मिनट रुकिए सर, बहुत बोलते हैं आप, दो मिनट रुकिए आप। अरे कमाल है, ये तो दादागिरी चल रही है, और ये तो आपके दिमाग में समझ में है नहीं आपके, और आप जाकर बात करते हैं, आपके चैनल में दादागिरी चल रही है, सत्ताधारियों की नहीं पता, और आपको पता नहीं कुछ भी, और आपके गांधी वाले के परिवार के बारे में आपसे एबीसीडी सीख लेते हैं, आपसे एबीसीडी सीख लेते हैं, नहीं मालूम है इसके बारे में, तो जाके बात करते ना, जो मैंने आपके हां तो आपसे सीख लेता हूं ना एबीसीडी, क्यों नहीं आप इंदिरा गांधी के बारे में अब बात कर लेते जाकर, आपको समझ में आ जाती। अरे भाई सापरा जी रिप्लाई कर दीजिए अनुजा जी, ठीक है पूरा 1.5 मिनट अनुजा जी आपको दिया है, सापरा जी रिप्लाई करिए, कहां पार्टी है जिसको भी उतार सकती है, क्या दिक्कत है उतारने में? नहीं नहीं, पार्टी जिसको भी उतारना चाहे उतार सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि एक परसेप्शन बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो चुकी है, केंद्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, अपने राज्य के नेताओं के चेहरों पर भरोसा नहीं है, और इनका जो माउथ पीस है ऑर्गेनाइजर, उसने तो खुद लिखा है, ऑर्गेनाइजर ने खुद लिखा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, कर्नाटका और हिमाचल के चुनाव हारने के बाद ऑर्गेनाइजर इन्हीं का माउथ पीस है ना, आरएसएस का माउथ पीस है, उसने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा, आरएसएस को बीजेपी की थोड़ी कमी है। आप सभी प्रवक्ताओं का, नेताओं का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। आज कोशिश थी हमारी कि समझे कि राजस्थान का गणित क्या कहता है। दरअसल राजस्थान में परंपरा है कि 25 सालों में चेंज होता है, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने वसुंधरा राजे जी को थोड़ा पीछे किया है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है दिल्ली के जरिए, और जो रूरल राजस्थान के लिए काम किया है इसलिए अभी फाइट राजस्थान में है, एक तरफा लड़ाई नहीं है।